कश्मीर की वादियों में रेलवे ट्रैक पर डंकी को शूट कर लेने के बाद से अब शाहरुख अगले शेड्यूल की तैयारी में लग चुके हैं, जिसके लिए शाहरुख अब देश से बाहर के लोकेशन पर पहुंच गए हैं डंकी के अगले सीन को शूट करने के लिए। और शाहरुख खान ने कल यानी 1 मई से ही राजकुमार हिरानी की डंकी के अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है। लेकिन किस लोकेशन पर अब डंकी के अगले सीन की शूटिंग हो रही है और शाहरुख कितने दिन तक इसकी शूटिंग करेंगे, आइए जानते हैं। दरअसल शाहरुख खान ने हाल ही में अपनी अगली रिलीज जवान की शूटिंग पूरी कर लेने के बाद से अब शाहरुख डंकी की शूटिंग में लग चुके हैं और कल सोमवार 1 मई से कतर दोहा में डंकी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में डंकी की शूटिंग के लिए शाहरुख संडे नाइट की रात दोहा पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो आप भी देखिए इस वीडियो को हमारे इस वीडियो में। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग और एक शेख के बाद शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। हालांकि शाहरुख की हल्की सी ही झलक है, लेकिन शाहरुख के कतर वाली इस वीडियो को देख उनके फैंस तो सुपर एक्साइटेड हो गए हैं। इस छोटी सी झलक में आप देख सकते हैं कि शाहरुख बिखरे हुए बालों के साथ ब्लैक गोगल और ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं और बाकी लोग उनके चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अपडेट है कि शाहरुख का कतर में ये 3 दिनों का छोटा शेड्यूल है और उसके बाद क्रू ब्रेक लेगा, क्योंकि शाहरुख जवान के प्रमोशन में बिजी होंगे। हालांकि कश्मीर में सॉन्ग को शूट कर लेने के बाद से कतर में किस तरह का शूट होने वाला है, ये किसी इंटेंस सीन की या फिर अंडर वाटर सीन का या किसी रोमांटिक सॉन्ग का शूट होगा, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये 3 दिन के शूट के बाद से डंकी का आखिरी शेड्यूल जून के मिड में हो सकता है, क्योंकि राजकुमार हिरानी को एडिट लॉक करने में कुछ महीने लगते हैं। समय पर क्रिसमस रिलीज के लिए VFX को भी सफिशियंट टाइम की जरूरत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डंकी की शूटिंग सऊदी अरब और कश्मीर सहित दुनिया भर के शानदार लोकेशंस पर किया जा रहा है। शाहरुख खान और तापसी पन्नू ने हाल ही में डंकी की शूटिंग के कश्मीर शेड्यूल को पूरा किया है। अपडेट आई थी कि शाहरुख खान ने थजवास ग्लेशियर के पास शूटिंग की है, जहां सेट बनाया गया था। शूटिंग की शुरुआत सोनमर्ग में एक गाने के सीक्वेंस के साथ हुई थी। उसके बाद एक इंटीग्रल सीन की शूटिंग रेलवे ट्रैक पर फिल्माया गया था। इतना ही नहीं, फिल्म की टीम ने एक अहम शेड्यूल की शूटिंग के लिए नवंबर 2022 के मिड में सऊदी अरब गए थे। शाहरुख खान ने कुछ वक्त पहले सऊदी अरब में शूट को पूरा कर लेने के बाद और इंस्टाग्राम पर शूट लोकेशन से एक वीडियो पोस्ट किया था। सऊदी अरब कल्चरल मिनिस्ट्री और फिल्म की टीम को इसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया था। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शाहरुख ने जो शूट कल से स्टार्ट किया है वो किस तरह का सीन है, और इन 3 दिनों में कतर के दोहा से इस सीन को लेकर जो भी खबरें सामने आएंगी हम आपको फौरन अपडेट करेंगे। खैर, शाहरुख की फिल्म में सऊदी अरेबिया कश्मीर के बाद अब कतर जैसे लोकेशन को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।